यार ये तो अनबिलीवेबल हो गया, बर्थडे ऑफर मिल गया मुझे बहुत अच्छा खासा। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मीनाक्षी मेहरा और मैं हल्द्वानी के काठगोदाम में रहती हूँ। प्लान है, मेरी दीदी की बेटी का भी बर्थडे आने वाला है और मेरा भी, तो हम दोनों सेम मंथ मतलब कल से स्टार्ट हुआ है मांग का महीना और मांग के महीने ही हम दोनों पैदा हुए हैं। उसकी शॉपिंग के लिए जाना है, मैंने सोचा मुझे भी करनी है इस बार। मैंने कहा बच्चे ही क्यों करें, बड़े भी करेंगे, अब मैं भी इस बार अपने बर्थडे पे कुछ ना कुछ लूंगी। तो मैं मार्केट जाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मुझे 2000 रुपीज़ मिल गए मेरी मम्मी की तरफ से। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। 10 रुपए की, 10 रुपए की दो। तो हम ये ले, आप ये पकड़ो। 1-10 की, चलो यार 1-10 की। आपको कौन सा कलर चाहिए? ये लो, दिस इज फॉर यू। अरे ये तो ये लो। पर तो हम पहुंच गए थे मार्केट। मार्केट में बहुत घूमे, बहुत भटके, उस बच्चे की ही शॉपिंग नहीं हो पा रही थी। उसका नाम भी मानवी है और तो उसके लिए हमने शॉपिंग करी। अपने लिए तो मुझे सच बताऊं टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत जगह, एक तो बच्चों के कपड़े मिल नहीं रहे थे, फिर जहाँ भी मिल रहे थे वहाँ पसंद नहीं आ रहे थे। फिर हमने बड़ी मुश्किल से हर जगह देखा, हर एक दुकान में गए, तो उनके लिए बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गई। बहुत थक गए थे तो हमने फिर वहाँ पर कुछ खा भी लिया, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था। हम ऑटो तक जाने के लिए तो एनर्जी चाहिए थी। फिर हमने थोड़ा सा खाना खाया, मतलब कुछ खाया, और उसके बाद हम घर की तरफ को आ गए। उसकी शॉपिंग ये है फाइनली हमारी शॉपिंग और हम आ गए हैं घर। इस लड़की के बर्थडे की शॉपिंग। तो उसकी शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई थी ट्रेंड। यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री था हर चीज़ में। आप देखो यहाँ पे कार्डिगन्स भी थे, वेस्टर्न वेयर भी था, एथनिक भी था। और अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी, आपको सारी ब्रांड्स भी मिल जाएंगी, जिनको ब्रांड का पहनने का मन करता है वो भी पहन सकते हैं। और मैक्सिमम चीज़ों में बाय वन गेट वन फ्री था, और कुछ जो ऐसे टॉप ब्रांड्स थे उसमें 30% ऑफ और 20% ऑफ, 35 और ऐसे ही कुछ था। 30 के ऊपर तो नहीं था मेरे ख्याल से, 50 तो किसी में भी नहीं था। तो वहाँ पे मैंने एथनिक वेयर भी चेक किया, और तो इसमें तो साइज़ इतना बड़ा बड़ा होता है, मुझे तो लगा कि नहीं, मुझे देखने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। सोच तो रही थी मैं लेने का, पर देखो आप, मैंने कहा कौन जाके फिटिंग कराए, इतना कुछ करे। फिर मैं आ गई अपने वही रोज के वेस्टर्न वेयर में आ गई थी, तो मुझे वहाँ पे ऑलरेडी एक जैकेट बहुत टाइम से पसंद था। मैं देखा कि वो वहाँ पे है कि निकल गया, देखा तो वो भी वहाँ पर था। तो फिर इसमें ना ऑफ़र लगे थे, और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे क्लिप्स भी देखे और ऐसे कैप भी देखी, बट बड़ी महंगी थी यार। यहाँ पर मैंने कहा ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कभी और जाके मार्केट से ले लूँगी। फिर मैं बस अकेले ही थी तो खुद को भी निहार रही थी वहाँ पे, मैंने कहा एक बार खुद का फिट चेक कर लूँ। तो चीज़ें लग गई थी मुझे काफ़ी, यहाँ तक मतलब लगा वर्थ परचेज़ लगा। मैंने कहा चलो मेरे लायक कुछ तो है यहाँ पे। और ये चीज़ें मैंने ना कुछ ट्राई करी थी, ये आपको कैसी लगी, इनमें से कुछ अच्छा लगा तो मुझे बताना। और ट्रायल रूम में भी मतलब देखा मैंने, कुछ कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इंसान जब अकेले जाता है ना तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो वही था, मैंने सोचा चलो जो भी है उसको मैं ले लेती हूँ। फाइनली मैंने बिलिंग कराई और घर आके मैं आपको अपनी सारी परचेजिंग दिखाऊंगी, सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, तो आप प्लीज़ बने रहना। और हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो मैं पहुँच गई थी घर। मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई मार्केट से, मैं क्या क्या लाई क्या नहीं लाई वो मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई, आज नेक्स्ट मॉर्निंग। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं 2000 रुपीज़ में क्या क्या लेके आई। मैं आपको अपनी 2000 वाली शॉपिंग दिखाने वाली हूँ, मेरा बर्थडे स्पेशल, ठीक है? क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने बोला था, मेरी मम्मी ने मेरे को 2000 रुपीज़ दिए थे। चलो देखते हैं उस 2000 रुपीज़ में क्या क्या आया। नहीं, वहाँ से बैग भी नहीं लिया, ट्रेंड से मैंने बैग नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा थैला था, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें ही मेरी शॉपिंग आई है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 by 1 मैंने क्या क्या लिया, और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी वो भी आप मेरे को ज़रूर बताना। तो पहले ये लिया है मैंने, ये स्वेट शर्ट ली मैंने, ये देखो आप कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताना, और मैं आपको पूरा ऐसे वेयर करके दिखाऊंगी कि मेरे पे कलर कैसा लग रहा है। तो आप भी मुझे अपने रिव्यूज़ देना कि आपको कैसा लगा, और इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें कैसी लगी आप ज़रूर बताना। वहाँ पे अभी बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा था, तो उसी में मैंने ये चीज़ें ली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
और मैंने वेयर करके भी आपको दिखाया, तो आप जरूर मुझे बताना। और से आपने देखा, मैंने जब ये परचेज किया था तब मैंने इसमें कोई कोट नहीं देखा, मुझे ये था कि कुछ लिखा है, क्या लिखा है मुझे नहीं पता। घर आके जब मैंने पढ़ा, इसमें खुद भी लिखा है लव योर सेल्फ। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरा इस बर्थडे पे भी, लव योर सेल्फ स्पेशल कराओ, उसके बाद आप औरों को भी कराओ। मैं ये नहीं कह रही बस खुद में लगे रहो, ऑब्वियसली अपने को प्रायोरिटी दो, उसके बाद आप दूसरों के भी बारे में जरूर सोचें। सेकंड जो मेरा है वो है ये है एक विंड शीटर जो मुझे बहुत टाइम से पसंद आया था। जब इसका एक्चुअल प्राइस, आप ये देखो, तो ये इतने का जब था तब मुझे पसंद आया था, तब मैं अपने नेफ्यू के साथ गई थी देखने। फिर मुझे लगा नहीं, अभी मुझे नहीं लेना चाहिए, मे बी अभी कुछ टाइम बाद डिस्काउंट आएगा, और वो आया और उसके साथ मुझे ये फ्री मिला 300 के। और उसके बाद मेरे पे कितने रुपए बचे, 600 रुपीज लेफ्ट थे। 600 में से मैंने 600 का ले लिया। ये जो मैंने अभी पहना है, ये जो मैंने पहना है, ये मैंने 600 का ले लिया था, तो टोटल मेरा 2000 कंप्लीट हो गया। मेरे 2000 में 3 कपड़े आए जो मैंने आपको दिखा दिए। आपको ये कैसे लगे इसके प्राइस के अकॉर्डिंग, और इनका कलर, ये सब कुछ, आपको मेरा परचेज कैसा लगा, मेरा बर्थडे स्पेशल परचेज कैसा लगा, जरूर बताना मुझे कमेंट करके। माघ का महीना अभी स्टार्ट हुआ है, तो माघ के महीने में ही मेरा बर्थडे भी आता है, इसलिए आई एम सो 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 एक्साइटेड। कोई तुम्हें स्पेशल फील कराए ना कराए, मुझे ऐसा लगता है हमें खुद को स्पेशल फील कराना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें खुद को ही गिफ्ट करनी चाहिए, जो मैंने इस बार करना स्टार्ट किया है खुद के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं एक्साइटेड हूँ, अभी मेरे बर्थडे में जब तक टाइम है, तो देखती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं कर पाती हूँ अपने लिए। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। बाय बाय।